हेलो फ्रेंड्स, लव गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इस ब्यूटीफुल से हाउस प्लांट के बारे में जिसका नाम है फिलोडेंड्रॉन जिनोडिया। जी हाँ, ये खूबसूरत सा दिखने वाले प्लांट का नाम बहुत ही ख़तरनाक है और ये इंडोर प्लांट है। इसे शेडी एरिया ज़्यादा पसंद होता है। वैसे आप इसे बाहर भी अपने गार्डन में भी लगा सकते हो, लेकिन जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। इसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये ड्वार्फ प्लांट है, मतलब कि इसकी बहुत सारी वैरायटी मार्केट्स में अवेलेबल हैं। इसके पत्ते आपको इसमें कई और वैरायटी मिलेंगी, जिसमें इसके पत्ते इससे भी 2 से 3 गुना ज़्यादा बड़े मिलेंगे। ये ऑल टाइम सीजन में ग्रो करता रहता है और इसे कुछ ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और ये इनडोर में बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जिसके ये एयर प्यूरीफायर का भी काम करता है और आपके घर में, आपके बेडरूम में लगा हुआ बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन अगर इसके इतने फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। ये असल में जो प्लांट है ये बहुत ही पॉइजनस प्लांट है। अगर इसका पत्ता किसी ने गलती से भी अंदर चला गया, किसी के बच्चे के अंदर या किसी पेट ने निगल लिया, तो क्या होगा, ये जानलेवा हो सकता है। अभी हम क्या करेंगे, इसे इस पॉट में शिफ्ट करेंगे और इसमें मैंने अच्छे से होल्स निकाल लिए हैं। ये होल्स हमारे किसी भी पॉट में होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसी से जो क्या होता है, इसका पौधे का ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा होता है। My dad's making it hurt. My dad's making it hurt. भी हम बिल्कुल इसके सेंटर में इसे ऐसे प्लेस कर देंगे, क्योंकि जो इसकी जो रूट्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही लंबी हैं, इसलिए हम इन्हें पहले से ही ऐसे सेट कर देंगे और बाद में इसमें मिट्टी डालेंगे। ताकि इसकी रूट्स जो हैं वो टूट ना जाएं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट सी रूट्स हैं
कि इसकी एज कुछ ज़्यादा नहीं है इस पौधे की, इसलिए जो रूट्स हैं वो इतनी ज़्यादा इसकी डिवेलप नहीं हुई, हार्ड नहीं हुई है। इसे अच्छे से दबा देते हैं। ये कंप्लीट प्लांट, ये प्लांट जो है वो कंप्लीट इंडोर प्लांट भी नहीं है, आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन शेडी एरिया में पूरी सूरज की रोशनी में ये सरवाइव नहीं कर सकता। अगर पूरा दिन इसके ऊपर धूप पड़ती रहे तो ये सरवाइव नहीं करेगा और अपने बच्चों और पेट को इससे बचा कर रखें। इसमें थोड़ी सी मिट्टी और डाल देते हैं। अभी हम इसे थोड़ा सा पानी दे देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।